हम चाहते हैं कि साल 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करने का जश्न मनाएं, भारत स्पोर्ट्स में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हो। हम भारत को एक स्पोर्ट्स नेशन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम खेल कूद का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, कम्युनिटी कोचिंग की सुविधाओं के साथ इंटरनेशनल लेवल के कोच और सालाना स्पोर्ट्स इवेंट्स के आयोजन जैसे कदम भी उठा रहे हैं। भारत क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर सुनियोजित तरीके से काम करने पर मजबूर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज की तारीख से तकरीबन 3 हफ्ते पहले मंगलवार 3 मई 2022 को ये बातें बोली थी। वह बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में बोल रहे थे और दुनिया जानती है कि हमारा देश चैंपियन एथलीट्स को सम्मानित करने में यकीन रखता है, फिर चाहे वो ओलंपिक्स मेडल विनर्स हों या क्रिकेट में झंडे गाड़ने वाले लोग, सबको ही तमाम सारे इनाम दिए जाते हैं और इन इनामों में रुपये पैसे का बड़ा हिस्सा रहता है। हालांकि कई लोग इस कल्चर को गलत मानते हैं। उनका तर्क है कि एक मेडल विनर को करोड़ों देने की जगह हमें वो पैसा खेलों के विकास में लगाना चाहिए, जो कि कई बार सही भी लगता है। लेकिन आज उस बहस में नहीं पड़ेंगे। आज की चर्चा मेडल विनर्स को मिलने वाले पैसों पर केंद्रित रहेगी, क्योंकि इन पैसों के आने से पहले उनका जीवन अक्सर बहुत अभावों में बीतता है। किसी के पास घर नहीं होता, किसी के पास खाने कपड़े का टोटा रहता है। ऐसे में यह पैसे उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं और लोग कहते भी तो हैं कि पैसों से बड़ी प्रेरणा कुछ भी नहीं होती। ऐसे में अगर कोई दुनिया जीत कर लौटे और उसे किसी तरह का इनाम ना मिले, लोग बस सूखी बधाई देकर काम चला लें, तो उसे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। भले ही वो पब्लिक में आकर कोई बयान ना दे, लेकिन बुरा तो लगना ही है, 100% लगेगा। और ऐसा ही कुछ इस वक्त 52 kg यानी 52 किलोग्राम की वर्ल्ड चैंपियन निकहत जरीन को लग रहा होगा। निकहत बॉक्सर हैं और उन्होंने बीते गुरुवार 19 मई को वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और इस जीत को ठीक ठाक वक्त बीत चुका है। लेकिन अगर आप गूगल पर आकर ये जानना चाहेंगे कि निकहत को इस जीत के बाद इनाम में क्या कुछ मिला, तो आपको बस एक खबर दिखेगी। तेलंगाना कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने निकहत को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जी हाँ, दुनिया जीत कर लौटी निकहत को टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में जगह ना बना पाने वाले क्रिकेटर से भी कम पैसे मिले हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक टेस्ट मैच खेलने वाले इंडियन क्रिकेटर्स को हर मैच के 15 लाख मिलते हैं, जबकि प्लेइंग 11 से बाहर बैठने वालों को इसका आधा। हालांकि इस बात से मैं एकदम ये नहीं कह रहा कि निकहत को इनाम न मिलने का कसूरवार BCCI या हमारे क्रिकेटर्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे तो अपनी शिकायत कोनी, शिकायत है सरकार में बैठे उन लोगों से जो भारत को खेल प्रधान देश बनाने के दावे कर रहे हैं, जो क्रिकेटर्स को हर अचीवमेंट्स पर पैसों से तोलने के लिए तैयार रहते हैं। और सिर्फ क्रिकेटर्स ही क्यों, ओलंपिक्स मेडल लाने वालों को भी तो खूब पैसे दिए जाते हैं, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ये भेदभाव क्यों? थॉमस कप जीतने वाली टीम को 1 करोड़ देने वाले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने निकहत के लिए किसी तरह के इनाम की घोषणा क्यों नहीं की? भारत को स्पोर्टिंग नेशन बनाने का दम भरने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने निकहत की ओर से आंखें क्यों फेर रखी हैं? क्या उन्हें ये अचीवमेंट छोटी लग रही है? कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के मेडल से भी छोटी? पूरी दुनिया के बेस्ट बॉक्सर्स को हराकर गोल्ड लाई निकहत ने शादी की चिंता कर रही अपनी अम्मी को तो बोल दिया था, अरे अम्मी टेंशन नक्को लो, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी। लेकिन क्या वो इस देश के मालिकों का रवैया देखने के बाद अपने जूनियर बॉक्सर्स को बोल पाएंगी, अरे छोटू टेंशन नक्को लो, अच्छा खेलोगे तो इनामों की लाइन लग जाएगी? शायद नहीं, और यही इस देश का दुर्भाग्य है। ओलंपिक्स में मेडल सबको चाहिए, लेकिन सिस्टम से चलते हुए सिस्टम की मदद से स्पोर्ट्स सिस्टम को रेगुलेट कोई नहीं करना चाहता। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, आपके लिए इस वीडियो को शूट किया था विजय ने, शुक्रिया।